मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर का सर्वे कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की मांग अभी स्पष्ट नहीं है, इसीलिए हाईकोर्ट के कमिश्नर सर्वे पर फिलहाल अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वे को लेकर आदेश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते साल 14 दिसंबर को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में मांग थी कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कमीशन भेजने का ईदगाह मस्जिद मथुरा में, उसको स्टे किया जाए, वो मान ली है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बार बार ऑब्जर्व किया आज ओरली कि जो पेटिशनर ने जो अपनी एप्लीकेशन कमीशन के लिए लगाई थी उसमें क्लैरिटी नहीं है। वो ये कह रही है कि प्रेयर में जो प्रेयर है वो आप अलाउ कर दें, तो इसके लिए काफी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट था वो काफी चिंतित था इस बात के लिए कि किस प्रकार की एप्लीकेशन नीचे लगाई गई जिसमें कोई डिटेल्स नहीं है, क्या चाहते हैं ये भी नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी। देखिए, जो 14 दिसंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो सर्वे का आदेश दिया था, आज उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे लगाया। जैसे जो पहली डेट थी वो 9th को थी, पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठने की वजह से हियरिंग नहीं हो पाई थी। तो अब कोर्ट ने ये भी अपॉइंट, मुस्लिम पक्ष ने ये भी अपनी आपत्तियां जताई कि 7-11 की एप्लीकेशन है वो भी पेंडिंग है। तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है सर्वे का, सिर्फ उस पे ही कुछ समय के लिए रोक लगाई है, जिसमें जो नेक्स्ट हियरिंग है वो अब 23 दिसंबर को होगी। तो 14 दिसंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो सर्वे का आदेश था उसको चैलेंज किया था मुस्लिम पक्ष ने, और अभी कुछ समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने उस पे रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपकी अर्जी स्पष्ट नहीं है, आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं। इसके अलावा ट्रांसफर का मामला भी कोर्ट में लंबित है, हमें उस पर भी फैसला लेना है। दूसरी बात यह है कि उच्च न्यायालय की किसी भी कार्रवाई को आगे नहीं रोका गया है। उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई यथावत चलती रहेंगी, लेकिन कोई भी कोर्ट कमिश्नर मौके पर नहीं जाएगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश प्राप्त किया गया है, और इसमें कुछ चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जिनको क्लियरिटी नहीं थी उसको लेकर भी कहा। तो 23 तारीख अग्रिम जनवरी इसमें निर्धारित की गई है। 23 तारीख को जो शाही ईदगाह पक्ष के दो SLP हैं, एक ट्रांसफर एप्लीकेशन और एक स्टे परीक्षा, इन दोनों की 23 जनवरी को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होगी, जिसमें अब अपना पक्ष रखेंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक का मामला है। 11 एकड़ जमीन पर बना है श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर। 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। हिंदू पक्ष ने पूरी जमीन पर दावा किया है। मुस्लिम पक्ष ने 1968 के समझौते का हवाला दिया है, जबकि हिंदू पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर सर्वे की मांग की है। अब जानते हैं उस दावे के बारे में जो हिंदू पक्ष कर रहा है। मस्जिद की जमीन पर बना था कंस का कारागार। कारागार में हुआ था श्री कृष्ण का जन्म। औरंगजेब ने अपने शासन काल में इसे नष्ट किया। मस्जिद में मंदिर के अवशेष आज भी मौजूद। हिंदू पक्ष ने पूरी जमीन पर दावा किया है। 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत जमीन को दो हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें एक हिस्से पर मंदिर और दूसरे पर मस्जिद मौजूद है। हिंदू पक्ष उस समझौते को अवैध बताकर खारिज कर रहा है और पूरी जमीन पर दावा कर रहा है। टीम न्यूज़ 18।